हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन इन मी। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है सॉफ्ट ग्लैम मेकअप लुक। तो ये है मेरा लुक और इसे मैंने कैसे क्रिएट किया, इसे देखने के लिए एंड तक बने रहिए। तो लेट ना करते हुए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लिया है, साथ ही साथ अपने लिप्स को भी। अभी मैं सबसे पहले अपने ब्राउज को फिल कर लूंगी। मेरे ब्राउज को फिल करने के लिए आज मैं अप्लाई करने वाली हूँ मिस क्लेयर का आईब्राउ केक किट। दोनों आईज के आईब्राउज फिल करना हो चुका है। अभी मैं मूव करूंगी अपने आई मेकअप पे। तो सबसे पहले तो मैं अपने आईब्राउज को थोड़ा सा कंसील कर लूंगी, थोड़ा डिफाइन करने के लिए। उसके बाद मैं अपने आईलिड पे कंसीलर अप्लाई करूंगी एक बेस बनाने के लिए। कंसीलर मैं यूज कर रही हूँ वो है मेवली न्यूयॉर्क का इन दी शेड 25 मीडियम। अभी मैं कंसीलर को लूज पाउडर से सेट कर लूंगी। जो लूज पाउडर मैंने अप्लाई किया वो है मेकअप रिवॉल्यूशन का लग्जरी पाउडर इन द शेड बनाना। अभी मैं आई शेडो अप्लाई करूंगी। जो आई शेडो पैलेट मैं यूज करने वाली हूँ वो है ये। इसमें से मैं ये वाला शेड अप्लाई करूंगी। शेड अपने लिड पे लगाऊंगी। अभी मैं निका के पैलेट से ये गोल्डन वाला शेड अपने इनर लिड पे अप्लाई करूंगी। अभी मैं मूव करूंगी अपने बेस मेकअप पे। सबसे पहले मैं अप्लाई करूंगी प्राइमर। जो प्राइमर मैं आज अप्लाई करने वाली हूँ वो है मेवलिन न्यूयॉर्क का मास्टर प्राइम। प्राइमर अप्लाई करना हो चुका है। अभी मैं अप्लाई करूंगी एवॉन का सिल्क गुडनेस सीसी कलर करेक्टर क्रीम। अभी मैं अप्लाई करूंगी फाउंडेशन। जो फाउंडेशन मैं आज अप्लाई करने वाली हूँ वो है लॉरियल पेरिस का इनफेलेबल 24 आवर्स स्टे फ्रेश फाउंडेशन।
ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसे ब्लेंड कर लूंगी। फाउंडेशन लगाना हो चुका है, अभी मैं अप्लाई करूंगी कंसीलर। जो कंसीलर मैं अप्लाई करने वाली हूँ वो है मेबलिन फिट मी का। ब्यूटी ब्लेंडर से इसे भी ब्लेंड कर लेते हैं। मेरे कंसीलर को ब्लेंड करना हो चुका है, अभी मैं अपने कंसीलर को लूज पाउडर से सेट कर लूंगी। जो लूज पाउडर मैं यूज करने वाली हूँ वो है मेकअप रिवॉल्यूशन का लग्जरी पाउडर इन दी शेड बनाना। अभी मैं अपने आई मेकअप को कंप्लीट करूंगी, लोअर लैश लाइन पे ये वाला शेड अप्लाई करूंगी नेक्स्ट के पैलेट से। निक्का के पैलेट से मैं अगेन ये गोल्ड शेड अपने इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर लूंगी। अभी मैं अप्लाई करूंगी लाइनर। लाइनर के लिए मैं आज अप्लाई करने वाली हूँ मिस क्लेयर का पर्ल आईलाइनर। लाइनर अप्लाई करना हो चुका है, अभी मैं अपने लैश को कर्ल करूंगी, उसके बाद मस्कारा अप्लाई करूंगी। मैं वेगा के कर्लर से अपने लैश को कर्ल कर लूंगी। जो मस्कारा मैं यूज करने वाली हूँ वो है मेवलिन न्यूयॉर्क का लैश सेंसेशनल। लैश में अप्लाई करने वाली वो है बिफोर लेंथ का। मैंने अपने लैश लगा लिए हैं, अभी मैं अप्लाई करूंगी काजल। जो काजल मैं अप्लाई करने वाली हूँ वो है प्लम का नेचर स्टूडियो। अभी मैं अपने फेस को कंट्रोल करूंगी। मैं अपने फेस को कंट्रोल करने के लिए जो पैलेट यूज कर रही हूँ वो है वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो कंट्रोलिंग पैलेट। अभी मैं ब्लश अप्लाई करूंगी। जो ब्लश मैं आज अप्लाई करने वाली हूँ वो है मेबलिन न्यूयॉर्क का फिट मी इन द शेड रोज। अभी मैं अप्लाई करूंगी हाइलाइटर। जो हाइलाइटर मैं यूज करने वाली हूँ वो मेबलिन न्यूयॉर्क का मास्टर क्रोम मेटालिक हाइलाइटर है। Thank you.
हाइलाइटर भी अप्लाई करना हो चुका है, अभी मैं अप्लाई करूंगी लिपस्टिक। आज मैं अप्लाई करने वाली हूँ NYB का मैट लिप क्रियॉन इन दिस शेड 18। आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा और मेरा ये लुक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और ये लुक क्रिएट करने के लिए जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां जाके चेक कर सकते हो। और अगर आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोस के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करती हूँ, मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।